कुल्लू जिला में कुल्लू ब्लॉक के 33 बीडीसी सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान तहसीलदार कुल्लू मित्र देव मोहतल और खंड विकास अधिकारी जयवंती ठाकुर ने शपथ दिलाई। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने जिला परिषद और पंचायत समिति में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने का दावा किया है। कुल्लू ब्लॉक की 76 पंचायतों के नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उपप्रधानों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी कुल्लू जयवंती ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े ब्लॉक कुल्लू में 76 पंचायतों के प्रधानों उपप्रधानों को शपथ दिलाई गई है, जिसके बाद उन्हें पंचायत में विकास कार्यों को शुरू करने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुल्लू ब्लॉक की 76 पंचायतों में काफी ज्यादा बजट आता है, जिससे यहां पर 6 नई पंचायतों के पंचायत घर बनाने की जगह नोटिफाई की जाएगी, प्रक्रिया भी शुरू कर ली गई है। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी पंचायत प्रधानों व उपप्रधानों के सहयोग से पंचायत में लोगों के लिए विकास कार्य किए जाएंगे। जो है हमने 76 पंचायतों के प्रधान और उपप्रधान जो है उनको जो है ओद दिलाई है और उनको जो है दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वो जल्दी से अपने जो है कार्य जो है सुचारू रूप से शुरू करें और उसके बाद जो है उनकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उनको एक एक्सपोजर विजिट भी करवाई जाएगी। जैसे कि आपको पता है ये हिमाचल का सबसे बड़ा ब्लॉक है, तो यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेशंस भी हाई हैं और काम भी ज़्यादा है और बजट भी बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन पिछली बार भी हमें जैसे जो है पंचायतों का पूरा सहयोग रहा, तो इस बार हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो इस बार भी हमें पूर्ण सहयोग देंगे और जो है डेवलपमेंट जल्दी से करेंगे। बिल्कुल, जैसे पहले हमारी जो 70 पंचायतें थी, अब हमारी जो है 6 नई पंचायतें बनी हैं, तो उसके बारे में जो है कल हम डिपार्टमेंट ने हमसे जो है वो राय ली है कि कहाँ पे उनका जो है पंचायत घर जो है नोटिफाई किया जाएगा, तो ये प्रक्रिया शुरू होगी और जल्दी उनको हम जो है इंटीमेट भी कर देंगे। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।